कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 12 क्या सभी का बना? चलो क्वेश्चन नंबर 12, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 1,55,000 रुपए, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,70,000 रुपीज, इनकम टैक्स पेमेंट इंक्लूड्स रुपीज 65,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2004-05, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2004-05 रुपीज 68,000 एंड नो इफेक्ट फॉर द सेम हैज बीन गिवन सो फार इन द अकाउंट्स एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हैज टू बी मेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2005-06 रुपीज कितना बेटा 80,000। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांस टैक्स टू बैलेंस बिटी हाउ मच, टू बैलेंस बिटी हाउ मच, बाय बैलेंस बिटी क्लियर समझ में आया बेटा? श्योर। ओपनिंग टैक्स जो हमारा है उसमें से 65,000 क्या है फाइनेंशियल, ठीक है, इस साल की एक्चुअल टैक्स लिबिटी फाइनल सेटलमेंट कितनी हुई बेटा 68,000। तो टू बैंक करने जाएंगे और इसमें से ऑलरेडी एडवांस टैक्स है कितने का, जो पे कितना करना पड़ेगा 3,000 तो बच्चा हुआ क्या एडवांस टैक्स कितने का, यहां पे कितना आया एडवांस टैक्स कितने रुपए का 65,000, बचा हुआ क्या सीडी कितने रुपए का और क्लोजिंग कितना है बैलेंस सीडी 80,000 रुपए का, तो पीएनएल में कितना जाएगा? क्या सभी से बन गया था? बैलेंस शीट नहीं बनाना, ना ना नहीं 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 बनाना, बट फिर भी क्लियर नाउ सभी नो रॉन्ग। अरे मैंने बता दिया, किया था सभी ने, सभी ने किया था, किया था। नींद आ रही है, लोरी सुनाऊं? लोरी नहीं आ रही, सुनाऊं? क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखे बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करें। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट कंसेप्ट में यहां पढ़ना है इस चीज के लिए, क्या समझना, जनरली आप कम्युनिटी लॉ पढ़ते हो तो कम्युनिटी लॉ में आपने पढ़ता है कि कम्युनिटी लॉ आप पढ़ते हो तो कम्युनिटी लॉ में यह पढ़ते हो कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है प्रॉफिट होगा तो क्या आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट सकते हो? अगर आपके पास प्रॉफिट है तो क्या आप प्रॉफिट है तो क्या प्रॉफिट आपने कमाया है तो प्रॉफिट में से आप अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो क्या या नहीं कर सकते हो? कितना, जितनी इच्छा हो उतना, तो कितना कर सकते हैं बताओ? अगर 5,00,000 का प्रॉफिट है तो 5,00,000 का प्रॉफिट पूरा आप अपने शेयर होल्डर को बांट सकते हो? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिविडेंड बांटने का, कितना है बताओ? कहा लिखा हुआ कम्युनिटी लॉ के अंदर? कम्युनिटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, शायद मैं कंफर्म बोल रहा हूं, लिखा हुआ नहीं है। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना भी डिविडेंड बांट सकती है जितनी मर्जी पड़े उसकी, अगर उसके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, जितना प्रॉफिट होगा सर। डिविडेंड का मतलब भी अल्टीमेटली क्या, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बोलो, तो आपके पास जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में जब आप डिस्कशन करता हूं तो उस केस में क्या होगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है तो कितना बांटे, क्या वो किसी पूछ के बांटेगी क्या? नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड बांटना है, बट उसको अप्रूव करना है काम किसका होगा, कंपनी के शेयर होल्डर का इन एजीएम। बट कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर रिकमेंडेशन रखते नहीं इतना बांटो, जितना डिवाइड डिसाइड कर दिया किसने बोर्ड डायरेक्टर से, वो बांटना है या नहीं बांटना है ये काम इसके हाँ या ना का जवाब कौन देगा बड़ा? एजीएम के अंदर शेयर होल्डर। पर शेयर होल्डर नहीं बोलेगा इतना नहीं इतना बांटो,
ये शेयर होल्डर्स के हाथों में नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना चाहती है तो दिल खोल के अपने हिसाब डिविडेंड बांट सकती है, कोई कोई रिकवरी वाली बात नहीं। बट कंपनी के पास आज प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, वो डिविडेंड बांटना चाहती है, ऐसा हो सकता है? कंपनी ने इस साल, कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट कमाते आ रही है, कई सालों से प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है, प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है, प्रॉफिट कमाते हुए आ रही है, बट कंपनी हर साल से प्रॉफिट कमाते आ रही है और कंपनी हर साल डिविडेंड बांट रही है, कभी 10%, कभी 12%, कभी 14%, कभी 18%, कभी 9%, कभी 8%, कभी 5%। डिविडेंड बांट रही और इस साल अल्टीमेटली डिविडेंड ने नहीं बांटा, क्या ऐसा हो सकता है? और 2017-18 की बात करता हूं, 2018 इसको लॉस हुआ, यहां हमेशा प्रॉफिट था, पर इस साल कंपनी का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो कंपनी ने इस साल लॉस हो गया, उसके बावजूद भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो क्या कंपनी लॉस होने के बावजूद भी क्या डिविडेंड का डिक्लेयर कर सकती है? कंपनी के पास प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, क्या कंपनी उसके बावजूद, कंपनी के पास इस साल कोई प्रॉफिट नहीं है, इस साल उसने लॉस कमाया, इस साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, क्या उसके बावजूद भी क्या कंपनी अपने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। एक कंपनी इस साल प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस कमा रही है, उसके बावजूद भी कंपनी चाहे तो डिविडेंड बांट सकती है, पर बांटे कैसे? पास्ट प्रॉफिट से, पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट रखे हुए हैं उस प्रॉफिट में बांट सकती है, दैट्स इट। तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट में बांटना चाहती है तो कितना बांट सकती है, क्या वो लिमिट है? यस, यहां लिमिट है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है, जितना प्रॉफिट अवेलेबल उतना बांट दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, कंपनी के इस साल कंपनी लॉस में चली गई है और फिर भी कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, तो क्या कंपनी बांट पाएगी? आंसर इज यस, कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट नहीं है, कंपनी इस साल लॉस में है, उसके बाद भी कंपनी के पास जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट रखे हुए हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। बट पास्ट ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड कितना बांट सकती है? जितना मर्जी पड़े उतना, क्या नहीं, कुछ लिमिट है, उस लिमिट में रहते हुए आप डिविडेंड को बांट सकते हो, उससे ज्यादा का डिविडेंड आप नहीं बांट सकते हो। सबसे पहली बात, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? तो क्या एक कंपनी डिविडेंड बांट सकती है जब कंपनी के पास खुद के पास प्रॉफिट रखा हुआ है? जिस साल डिविडेंड बांट रही कंपनी के पास, उस साल क्या बेटा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो क्या डिविडेंड बांट सकती है? क्या कोई लिमिट है? कोई लिमिट है क्या? बट कंपनी के पास इस साल कोई प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, कंपनी ने इस साल लॉस कमाया, उसके बाद भी वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना चाहती है, तो क्या वो डिविडेंड बांट सकती है? बट लिमिट के साथ। वो लिमिट क्या है, बड़े ध्यान से समझना। तीन लिमिट की बात करूंगा, इन तीन लिमिट में से विच एवर इज लोअर। मैं क्या बोला, जिस साल आप डिविडेंड बांटने जा रहे हो, तो मुझे बताओ 2017-18 में आपका क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इस साल लॉस हुआ, इस साल आप डिविडेंड बांटने के लिए जा रहे हो, तो क्या इस साल आपने प्रॉफिट कमाया होगा? लॉस कमाया, तो भैया तीन कंडीशन एप्लीकेबल होगी आपके ऊपर। क्या ये पॉइंट समझ में अच्छे से आ रहा है ना? तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है, ये डिविडेंड जो हमने बांटा, तो मुझे बताओ, तो जिस साल हम डिविडेंड बांटने जा रहे हैं, जिस साल हमें लॉस हुआ, इसके जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग थ्री इयर्स, कितने साल? तीन साल के अंदर क्या डिविडेंड हमने बांटा था? कितने परसेंट से बांटा था? 9, 8, 5, इन तीनों का एवरेज लास्ट थ्री इयर्स एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड और 10% विच एवरेज लोअर। तो पिछले लास्ट थ्री इयर्स कितना बेटा? 9, 8, 5, तीनों का एवरेज करो। तो सर एवरेज कैसे होगा बेटा? 9% प्लस 8% प्लस 5% डिवाइड बाई 3, कितना होता है? 7.33%, और कितना परसेंट? 10%,
तो भैया कंडीशन नंबर वन के हिसाब से आप 7.33% का ही डिविडेंड बांट सकते हो। ने कुछ बोला है, समझ में आई नहीं आया? क्या पॉइंट क्लियर हुआ ना बेटा अच्छे से? अब अगर मान लो यहां पे 19, 18, 15 होता तो उस केस में क्या था? 19, 18, 15 होता, डिवाइड बाय 3 को कितना आता? 17.33। अरे बोलो। और 10% विच एवर इज, आप 10% से ही डिविडेंड इस साल बांट सकते हो कंडीशन नंबर वन के हिसाब से। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? जस्ट नोट डाउन फेल कंडीशन। या तो पहले दूसरे भी लिख लो, उसके बाद लिखना 1/10 ऑफ, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। समझते मैं पेड अप शेयर कैपिटल बोला था, इक्विटी का या प्रेफरेंस शेयर का? पेड अप शेयर कैपिटल बोला तो मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों आएंगे। तो उसको सिंपली पेड अप समझता, 1/10 ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, इसको ऐसे करते हैं, प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 1/10 ऑफ, बोलो 1/10 ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का अमाउंट यहां आ रहा होगा? अरे बोलो ना, एक बात बताओ बेटा, जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और रिजर्व, इन सबको जोड़ोगे इसका 1/10 होती है अमाउंट, या कुछ आएगा? इसमें से लेस करो इस अमाउंट में से लॉसेस, लेस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, दोनों ने सिर्फ बेटा एक प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि हम रेट तो निकाल रहे हैं डिविडेंड के लिए, तो डिविडेंड का डिविडेंड कैसे माइनस कर सकते हैं? अरे बेटा क्या हम यहां पे डिविडेंड जो माइनस करेंगे इक्विटी शेयर के लिए या प्रेफरेंस शेयर के लिए? प्रेफरेंस शेयर के लिए, क्योंकि इक्विटी शेयर का डिविडेंड कितना देना वही तो निकालने के लिए तीन कंडीशन कंप्यूट कर रहे हैं। अरे बेटा यहां मैंने डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर बोला, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर नहीं बोला। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर माइनस कैसे होगा? हम तो तीन कंडीशन के थ्रू तो लिमिट जो आएगी उसके हिसाब डिविडेंड निकालेंगे। अरे बेटा बोलो ना, तो नाउ इसको करने के बाद जो अमाउंट आया कितना आया? ये जो अमाउंट आएगा स्टेप नंबर टू का अमाउंट है, ये स्टेप नंबर टू का अमाउंट है। क्या समझ में आया? अरे बोलो क्लियर। स्टेप नंबर थ्री बड़े ध्यान से समझना, स्टेप नंबर थ्री को लिखो बड़ा सिर्फ आप लिख लो, स्टेप नंबर थ्री लिखें, लिखें स्टेप नंबर थ्री, द बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस। पहले लिख रहे हो क्या दोनों पॉइंट को? हाँ पहले लिख लो,
लास्ट 3 ईयर्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही बढ़ता है बेटा. पर लास्ट ईयर में अगर लॉस है तो भी डिविडेंड तो बढ़ा होगा. कोई बात नहीं. आपका डाउट है सर कि लास्ट 3 ईयर्स में भी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हुआ हो और लास्ट 3 ईयर्स भी डिविडेंड बांटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिस साल इस साल लॉस हुआ है ना, कोई बात नहीं. मैं तो पिछले 3 सालों में कितने परसेंट से डिविडेंड बांटा, मतलब इस साल भी लॉस हो रहा है, पिछले 3 साल से इतना प्रॉफिट बांटा ना, बोलो क्या बांट ही सकते नहीं हो ना. क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है लॉस हो तो मैक्सिमम कितना बांट सकते हो, 10%. तो अगर मैं ये बोल देता कि पिछले 3 सालों में आपको लॉस ही हुआ, डिविडेंड बटा 9%, 8%, 5%, क्या ऐसा हो सकता है? लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज. आया समझ में बेटा? शो थर्ड कंडीशन लिखे बेटा आप लोग, फर्स्ट भी हो, थर्ड पे लिखे बेटा. थर्ड लिखे, द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर सच डिविडेंड शैल नॉट, द बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आफ्टर सच डिविडेंड शैल नॉट बिलो, शैल नॉट रिड्यूस, शैल नॉट रिड्यूस बिलो 15% ऑफ, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. सो पॉइंट नंबर 3 समझ में अच्छे से नहीं आया. पॉइंट नंबर 3 समझना, उसमें क्या लिखा है समझना. पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस. तो से एग्जांपल सुनो, समझ लो ना बेटा एक मिनट के लिए. बेटा जितना रिजर्व सरप्लस का बैलेंस होगा डिविडेंड से पहले, क्या इसमें से डिविडेंड दूंगा तो क्या मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कम होगा या कम नहीं होगा? मैंने क्या बोला, रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात कर रहा हूं. इसमें से लेस करेंगे क्या बेटा डिविडेंड का अमाउंट? इसको लेस करने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा, ये अमाउंट मेरे पास आया, बोलो तो ये अमाउंट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए. डिविडेंड देने के बाद, मैंने क्या बोला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस आ रहा होगा, ये बैलेंस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए. तो बट ऑब्वियस आपने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से डिविडेंड निकाला होगा. जो डिविडेंड आ रहा है, इस डिविडेंड को एक बार क्या करो, रिजर्व सरप्लस से माइनस करो, और माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आ रहा है, थोड़ा माइनस कैसा, ये वाला करेंगे, ये वाला विच इज लोअर, मैक्सिमम लिमिट विच इज लोअर होगा. तो सो एग्जांपल ये अमाउंट आया 10,000, ये अमाउंट आया कितना परसेंट, 8,000. तो 8,000 को यहां से क्या करो, माइनस करो. फिर जो प्रॉफिट का बैलेंस आया, रिजर्व सरप्लस का जो बैलेंस आया, इस बैलेंस को कंपेयर करो, क्या है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के इक्विवेलेंट है या इससे ज्यादा है. अगर इससे कम हुआ तो फिर आप डिविडेंड नहीं बांट सकते. तो कितना बांट सकते हो, कि मिनिमम इतना बैलेंस तो आप मेंटेन करो जिससे हमारा क्या 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपका रह जाए. इस तीसरी कंडीशन थोड़ी समझ में आपको नहीं आई होगी, बट जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो थोड़ा सा बेटर आपको अच्छे समझ में आपको आएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, हाँ 11 पे हो बड़ा. यस लिमिटेड हैज ओनली वन टाइप ऑफ कैपिटल. इसके पास एक ही टाइप की क्या है बेटा, कैपिटल है, और वो भी कौन सी बेटा, 40,000 इक्विटी शेयर. मतलब इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है. और रुपीज कितना बेटा, 100 ईच.
इट ऑल्सो हैज गॉट रिजर्व टोटलिंग रुपीज 20 लाख. इसके पास रिजर्व सबस कितना बैलेंस रखा हुआ, 20 लाख रुपए का रिजर्व सबस का बैलेंस रखा हुआ है. बोलो हाँ है ना. द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च ईच ईयर. कंपनी हर साल क्या करती है ड्यूरिंग को क्या करती है बेटा, ए हर साल कंपनी 31 मार्च को बुक्स अकाउंट क्या करती है, बंद करती है. इट हैज पेड डिविडेंड 12.5% अप टू 2012. 2001-2002 तक कंपनी ने 12.5% से क्या दिया, डिविडेंड डिक्लेयर किया था. देयर आफ्टर मतलब 2001-2002 के बाद से कंपनी 15% से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है. इन द कंपनी सफर ए लॉस ऑफ 2,50,000. कंपनी को इस साल 2,50,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ. देयरफॉर इट विशेस इनकी इच्छा है ड्रॉ रिक्वायर्ड अमाउंट आउट ऑफ रिजर्व टू पे डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%. इनकी इच्छा इस साल लॉस कमाए उसके बावजूद भी कंपनी 12% डिविडेंड देना चाहती है. क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, नहीं, क्योंकि बेटा मैक्सिमम कितना सकती है 10%. देखते हैं सो आपको कैसे पता 10% बात करते हैं. एडवाइस द कंपनी, क्या आप कंपनी को राय दो, सलाह दो, ज्ञान बांटो तुम ऐसा कर सकते हो या हम नहीं कर सकते. तो कंपनी अगर लॉस से उसके बाद भी डिविडेंड बांटना चाहती है तो 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी. पहली कंडीशन क्या, ध्यान से, पहली कंडीशन क्या, सबसे पहली बात तो कंपनी किस साल की बात कर रही है, कंपनी किस साल डिविडेंड देना चाह रही है, बोलो 2004-5. अब समझना पहली कंडीशन, कंपनी 2004-2005 में डिविडेंड बांटना चाहती है. 2004-2005 में कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है. तो बट कंपनी के इस बार कंपनी के पास क्या रखा हुआ है, लॉस. तो कंपनी पिछले 3 सालों में, कितने सालों बेटा, 3 साल, कौन कौन से, 2003-04, 2002-03, 2001-02 में जो डिविडेंड बांटा है इसका लास्ट 3 इयर्स का एवरेज, अरे हाँ है ना. तो लास्ट 3 इयर्स का, क्या कंपनी ने इस साल कितना डिविडेंड बांटा, इस साल कितना बांटा, क्या इस साल कितना बांटा आपको पता है क्या. कंपनी ने यह तो बोला है कि 2001-02 तक हमने बांटा 12.5% से, अरे हाँ है ना, कितना बोला 12.5% से, कितना 15% से, कितना 15%, क्या आपको पता है. तो पहली कंडीशन के हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर लास्ट 3 इयर्स, जबकि इससे पहले कंपनी ने हमेशा कितना बढ़ा, 12.5%. अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो पिछले 3 साल का देखूंगा, पिछले 5 सालों का, पिछले 3 सालों का, पिछले 3 साल लास्ट एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर लास्ट 3 इयर्स कितना है, तो 12.5% प्लस 15% प्लस 15% डिवाइड बाय कितना, 3, 14.16% और 10%. तो बताओ इस हिसाब से कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से विच इज लोअर, कितना 10% बांट सकते हैं, 10% ऑफ. अब बताओ डिविडेंड किसका दिया जाता है, प्रॉफिट का 10% होगा या 10% ऑफ कैपिटल, नालायको. डिविडेंड हमेशा कैपिटल पे दिया जाता है या प्रॉफिट पे दिया जाता है, कैपिटल पे, प्रॉफिट पे, अरे कैपिटल पे दिया जाता है. अरे मैंने बोला 10% डिविडेंड दूंगा, 10% किसका, कैपिटल का दूंगा या प्रॉफिट का, कैपिटल का हमेशा पता होना चाहिए, नहीं पता, उल्टा लटका दूंगा पंखे पे भी बेटा, समझ में आया बेटा, श्योर. तो 10% जो हम बात करते हैं, 10% किसका होगा बेटा, कैपिटल का होगा हमेशा. जो परसेंटेज होता है वो किस पे लगाया जाता है, प्रॉफिट पे या कैपिटल पे, सर हमें नहीं पता था इसलिए हमें नहीं पता इसमें क्या है. हाँ आपकी जिम्मेदारी बनती बताने के लिए, क्या आप तो क्लियर है, जो परसेंटेज यूज किया जाएगा किस पे, कैपिटल अमाउंट के ऊपर या किसके ऊपर, किस पे, कैपिटल पे या प्रॉफिट पे,
अभी तुमने समझाया, क्या समझाया मैंने अभी? हाँ, कैपिटल पे दिया जाएगा ना कि प्रॉफिट पे। तो मुझे बताओ ये 10% ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल कितनी है बेटा? कैपिटल कितनी है? 40,000, 40 लाख। 40,000 तो शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर, तो कुल कितना हुआ? 40 लाख। कितना दे सकते हैं? 4 लाख। पॉइंट नंबर टू के हिसाब से क्या? 1/10 ऑफ क्या? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस लॉसेस लेस प्रिफरेंस डिविडेंड ऑन बोलो हाँ है ना। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस लॉसेस लॉस डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर्स। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? तुम्हें 1/10 ऑफ 40 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 20 लाख। तो वीकेंस है 6 लाख लेस लॉस कितना? 2,50,000। क्या डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर है क्या? जब प्रिफरेंस शेयर ही नहीं तो डिविडेंड कैसे होगा? तो 3 लाख। भाई साहब बोला 4 लाख दे सकते हो, पर ये भाई साहब क्या बोलता है? 3.5 लाख। तो कितना दोगे? 4 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। ये पॉइंट क्लियर है? अरे ये पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। जब मैं थर्ड पॉइंट की बात बोलता हूं तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर डिविडेंड डिक्लेयर। तो मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस बिफोर डिविडेंड कितने रुपए का है बेटा? 20 लाख लेस डिविडेंड। लेस डिविडेंड जो किया जाएगा वो कितना किया जाए? 4 लाख या 3,50,000। अब समझ में आया तीसरी कंडीशन बेटा अच्छे से। अब इसको करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा है? 16,50,000। अब मुझे बताओ सुनना, ये बेटा सुनो, ये 16,50,000 डिविडेंड का अमाउंट होगा क्या? नहीं। अब इसको कंपेयर करो किससे? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। आपकी कैपिटल कितनी है? 40 लाख का 15% कितना होता है? 6 लाख। क्या ये 6 लाख से ज्यादा है या कम? क्या सेटिस्फाई कर रहा है? तो मतलब क्या इसके हिसाब से, मतलब आप डिविडेंड इतना देखा जाए इस कंडीशन के हिसाब से, तो मतलब अगर समझना, अगर ये 20 लाख है, कितना है बेटा? 20 लाख। 15% ऑफ पेड अप शेयर, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? 6 लाख। तो मतलब आप यहां से 14 लाख रुपए तक निकाल सकते हो डिविडेंड को बांटने के लिए। अब समझ में आया अच्छे से? मतलब रिजर्व सरप्लस का बैलेंस लेस देन 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए आफ्टर डिविडेंड डिक्लेयर। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले इसका बैलेंस 20 लाख था, लेस अगर मैं करता हूं क्या, डिविडेंड जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, लेस करने के बाद ये जो अमाउंट आया 16,50,000, क्या ये 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है या कम? तो मतलब क्या मैं इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? यस। बट एक मिनट के लिए मान लो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता? 17 लाख होता। कितना होता? बट अगर मैं यहां आ कितना रहा है तो बताओ मुझे, मिनिमम यहां पे 17 लाख तो मेंटेन, तो बताओ मैं कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? 3 लाख। जबकि ये कितना बोल रहा है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से कितना? 3.5 लाख। बट कितना क्लेम कर पाएगा? ओनली 3 लाख रुपीज का ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो कंडीशन नंबर 3 के हिसाब से। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ध्यान समझता है इस पॉइंट को। मैंने क्या बोला देखो, अगर कंडीशन अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन की बात करें जो क्वेश्चन में गिवन, उसके हिसाब से 3.5 लाख कर सकते हो। 3.5 लाख को माइनस किया, कितना आया? 16,50,000। क्या 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है या कम? तो मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हम कर सकते हैं। बट अगर मान लो, अगर मैं देखा जाए तो मैं कर कितना, तो ये वो समझ में आया।
बट अगर मान लो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर मैं करता तो मान लो ये अमाउंट 1650 नहीं, वो अमाउंट कितना होना चाहिए? अभी तो क्वेश्चन में 4 लाख आ गया था, 6 लाख आ गया था अभी क्वेश्चन के अंदर, ये 6 लाख ना आते हुए अगर वो अमाउंट आ जाता कितना बेटा? 17 लाख। तो मतलब आपके पास रिजर्व सरप्लस कितना है? 20 लाख। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है? मान लो 17 लाख होता है एक मिनट के लिए। क्वेश्चन में तो कितना गिवन है? 40 लाख है। 40 लाख का 15% कितना है? 6 लाख। बट मान लो मेरे पास इतनी कैपिटल है उसका अगर 15% करता हूं तो कितना आता है? 17 लाख। तो मुझे बताओ 20 लाख को मतलब मिनिमम कितना चाहिए बेटा? 17 लाख। मैंने लेस कितना कर दिया था बेटा? 3.5 लाख। क्या 3.5 लाख को माइनस कर सकता हूं? क्या माइनस कितना कर सकता हूं? 3,50,000। क्या ये पॉइंट क्लियर? नहीं, 350 नहीं कर सकता हूं मैं, ओनली 3 लाख ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं। तो थर्ड कंडीशन समझ में आया? वो इनडायरेक्ट वे में लगती है, डायरेक्ट लगती नहीं है। ये डायरेक्ट बोल रहा है इतना इतना, बट ये बोलता है आप दे दो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट ये अमाउंट मुझे 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। अरे बोलो ना, अरे बोलो, नहीं आया ना समझ में? तो मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में 3.5 लाख क्या ये 16,50,000 है? तो क्या 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा है या कम? ज्यादा है। तो क्या मैं 3.5 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? तो कंपनी कैन डिक्लेयर अमाउंट रुपीज कितना बेटा? 3,50,000। तो मुझे बताओ वो भाई साहब तो कितना डिविडेंड मांग रहे हैं? 12%। क्या 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? अरे बोलो, क्या 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं। कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से कितना परसेंट? 10%। और ये बोल रहा है हम ये अब अमाउंट के बोलो 4 लाख, अमाउंट के बोलो 3.5 लाख। तो 3.5 लाख डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है कितने के अमाउंट पे बेटा? 40 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई बाय परसेंट, दैट मींस कितना आएगा? 9.8। एक कंपनी इतना ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अरे अमाउंट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट ऑफ क्या आया बेटा? डिविडेंड। क्या समझ में आया बेटा? नहीं आया समझ में अच्छे से? पक्का आया? और बस थोड़ा सुस्त मत रहा करो, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। सर हम एक्टिव हो गए ना, हम आपको सुस्त कर देंगे, ये बोला मनी मन में है ना? मन की बात पढ़ लेता हूं मैं, है कभी कभी सर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आते हैं, ऐसा गाना है ना कोई? हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।